Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. My name is Fazan Farooq and today we are going to discuss diluted EPS. IS 33. आप चैनल पे देख सकते हैं बेसिक ईपीएस, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स हमने डिस्कस किए थे. अब इसका एक लास्ट टॉपिक जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है डायल्यूटेड ईपीएस. अब व्हाट इज डायल्यूटेड ईपीएस? देखें, डायल्यूटेड ईपीएस को समझने के लिए एक छोटी सी बात याद रखिएगा. कंपनी कभी कभी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू करती है. कंपनी क्या इशू करती है जनाब? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू करती है या वो ऑप्शंस इशू करती है. कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या ऑप्शंस कंपनी इशू करती है जिसके तहत बिकॉज ऑफ देम कंपनी हैव टू इशू सम शेयर्स इन फ्यूचर. यानी कंपनी जिनको बॉन्ड्स देती है या ऑप्शन देती है उनको अगर वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं तो कंपनी हैव टू इशू सम शेयर्स. अब एक बात समझो, शेयर्स इशू होंगे फ्यूचर में. ईपीएस का फार्मूला क्या है? वैसे जनरली बेसिक ईपीएस जो आपने हमारी लास्ट वीडियो से सीखा है उसका फार्मूला था ऊपर थी डॉलर यानी अर्निंग्स और नीचे था वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स मेनॉस. हम इसको आसान करें तो नंबर ऑफ शेयर्स वेटेड एवरेज ही था और सेंट्स में इसका आंसर आता था. मैंने वेरी बेसिक फार्मूला लिखा है. ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी वजह से डिनोमिनेटर बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल ये 100 है, नीचे भी 100 है, आंसर आ रहा होगा 1. किसी वजह से अज्यूम करो प्रॉफिट रिमेन सेम बट ये जो नीचे 100 है ये 200 हो जाता है, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.5. ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दी है क्योंकि हमें पता है मैथ्स है ना, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला जो आंसर है वो बढ़ता है तो फाइनल आंसर कम हो जाता है. डिनोमिनेटर बढ़े तो फाइनल आंसर कम हो जाए. ये एक छोटा सा बेसिक सा मैथ्स है. अब क्या सीन है? देखो, आपने वादा किया है कि भाई अगर फ्यूचर में आपके पास अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं या आपके पास ऑप्शंस हैं तो आपकी मर्जी के मुताबिक अगर आप चाहेंगे तो इन फ्यूचर कंपनी आपको शेयर्स देगी. हम एक बात समझो, कंपनी फ्यूचर में शेयर्स देगी तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, डिनोमिनेटर बढ़े तो आंसर कम हो जाए. इसको कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस. ये रियलिटी नहीं है, दिस विल हैपन इन फ्यूचर. यानी कहते हैं IAS 33 वाले कि फ्यूचर में शेयर्स इश्यू अगर हो गए तो शेयर्स ईपीएस जो है वो उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो फ्यूचर का इंतजार ना कीजिए, आज ही की तारीख में उसको कैलकुलेट कर लीजिए. इसको कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस, DEPS. और इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग और शेयर्स अपनी जगह होते हैं, एक तरफ नीचे नॉशनल एक्स्ट्रा शेयर्स, नॉशनल मतलब कि फ्यूचर में कितने मजीद शेयर्स कंपनी विल गोइंग टू इशू, और ऊपर नॉशनल अर्निंग्स, अर्निंग्स ऊपर आ जाती है. अर्निंग्स क्यों आती है, वजह क्या है, हम आपको एक एग्जांपल से समझाएंगे. देखिएगा एक बात, डीपीएस में दो तरह की चीजें हैं, एक है कन्वर्टेबल्स और दूसरा है ऑप्शंस. पहले हम डिस्कस करेंगे कन्वर्टेबल्स को. कन्वर्टेबल्स बॉन्ड्स हमने IAS 32 आपको पढ़ाया है तो उसके अंदर हमने आपको बताया था कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में कुछ लायबिलिटी का एलिमेंट होता है, कुछ इक्विटी का एलिमेंट होता है. लायबिलिटी का एक एलिमेंट हम अलग कैसे करते हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस की हुई हैं. अब कन्वर्टेबल जब टाइम पूरा होता है तो कंपनी क्या करती है, उसके अगेंस्ट शेयर्स इशू कर सकती है. तो उन नंबर ऑफ शेयर्स को फोकस करेंगे, यानी नंबर ऑफ शेयर्स को फोकस करेंगे. अब एक बात समझो, अभी आपने किसी को कन्वर्टेबल बॉन्ड दिया है उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे होगे ना. जब कन्वर्टेबल बॉन्ड्स यानी लोन नोट, कन्वर्टेबल लोन नोट या डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे यानी वो खत्म हो जाएंगे, शेयर्स इक्विटी बन जाएंगे. जब वो कन्वर्टेबल इक्विटी बन जाएगा यानी लायबिलिटी से वो हटेगा तो मुझे बताइए क्या उस पर जो फाइनेंस कॉस्ट दे रहे हो क्या वो देनी पड़ेगी? नहीं सर, जब वो कन्वर्टेबल हटेगा तो फाइनेंस कॉस्ट नहीं देंगे. इसका मतलब हम अस्यूम ये कर रहे हैं कि ये जो कन्वर्टेबल है ये शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है, फ्यूचर में होगा रियलिटी में, लेकिन हम नोशनल कर रहे हैं, हम अस्यूम कर रहे हैं. तो अगर ये कन्वर्टेबल शेयर्स में कन्वर्ट होता है तो ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, दूसरी तरफ से हमारा इंटरेस्ट बच जाएगा और इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स करना होगा.
ठीक है, ये कैसे करते हैं हम क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जरा क्वेश्चन को रीड कीजिएगा प्लीज। ऑन 1 अप्रैल 2001 एन एंटिटी इशूड, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बी विद मी, इशूड कन्वर्टेबल लोन नोट्स, ठीक हो गया, फॉर 1,250,000। द लोन नोट कैरीज एन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। आपको पता होना चाहिए जिस तरह से शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू पहले कहते थे 1 होती है, यूजुअली कम भी हो सकती है, लेकिन कन्वर्टेबल की जो है वो 100 होती है, ठीक है। यानी 1 to 50 के बॉन्ड्स, एक बॉन्ड 100 का, तो कितने बॉन्ड्स हुए वो आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद है कि ये शेयर्स कन्वर्ट हो सकते हैं, अगर जिसको आप दे रहे हो 2001 में, 2006 में कन्वर्ट करवाने आएगा तो 124 शेयर्स, 7 में आएगा तो 128 में आएगा तो 115, 9 में आएगा तो 110 शेयर्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मसला ये है सर, यहाँ तो इतने सारे ऑप्शन हैं, हम कौन से ऑप्शन पे काम करेंगे, सब पे काम करना पड़ेगा, तो नहीं, आपने मैक्सिमम डायल्यूशन देखनी है। डायल्यूशन मतलब ईपीएस का गिरना देखना है। अब ईपीएस डिनोमिनेटर के बढ़ने से गिरता है, डिनोमिनेटर मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा से बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली याद रख लीजिएगा कि जहां पे कन्वर्जन ज्यादा हो, कन्वर्जन ऑप्शन ज्यादा हो, कन्वर्जन ऑप्शन मतलब जहां पे नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा इशू हो रहे हो, वो होता है कन्वर्जन ऑप्शन हाई, और उसी को बेस करके हमने काम करना होता है। इस केस में आप देखिए कितने सारे शेयर्स हैं, 124, 120, 115 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप मुझे बताइए आप कौन सा लेंगे। सर अभी आपने कहा कि हाईएस्ट वाला लेंगे, तो हम हाईएस्ट ही लेंगे, तो हाईएस्ट इज 124। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो तो किस तरह से सॉल्व करना है, तो हाईएस्ट वाले ऑप्शन को लेके इंशाल्लाह हम चलेंगे। ओके, आगे पढ़ेंगे। अब तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूएबल आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विल बी एट द रेट ऑफ 124, ये खुद बता रहा है, ठीक है। अब कितने शेयर्स इश्यू होंगे ये सब कैलकुलेट हुआ हुआ है, लेकिन हम आपको करके भी दिखाएंगे। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, इश्यूड शेयर कैपिटल कंपनी का गिवन है, जिसमें इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, टैक्स का रेट है 30% और 2 सालों का प्रॉफिट यानी सॉकी आपको बना के उसने दी हुई है, ठीक है। अब हमें इसको किससे सॉल्व करना है, सबसे पहले देखो एक बात याद रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए क्वेश्चन को सुकून से पढ़ना। साल हैं आपके पास क्वेश्चन के अंदर, तो दोनों सालों पे हम काम करेंगे, तो सबसे पहले कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपने निकालना है बेसिक ईपीएस, इसके मार्क्स से 2 साल है 2002 एंड 2001। अब बेसिक ईपीएस का फार्मूला शायद याद होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लेते हैं, कितना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 700,000। प्रेफरेंस डिविडेंड हम माइनस करते हैं, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है, कितने हैं प्रेफरेंस शेयर्स, सर ये ऑर्डिनरी है, ये प्रेफरेंस है, 500,000 के प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है, जिसमें 10% जो है वो डिविडेंड है, तो 500,000 का 10% इज 50,000। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, क्वेश्चन में कोई शेयर्स इशू हुए नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कंपनी के कितने शेयर्स हैं, 4 मिलियन शेयर्स हैं, कोई शेयर्स इशू नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सीधा सीधा हमने इसी को वेटेड एवरेज समझा, 100 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास बेसिक ईपीएस आ गया विच इज 15.3। ये हमने कर लिया 2002 का, अब हम 2001 कर लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 641,773 माइनस प्रिफरेंस डिविडेंड, अगेन कोई प्रिफरेंस शेयर में चेंजिंग है नहीं, तो वही 50,000 और शेयर्स वही 4 मिलियन के, कोई चेंजेस नहीं है, 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 14.8 सेंट्स। ये तो सिंपल है। अब मसला क्या है, मसला है सर अगर इसका डाइल्यूटेड निकालना हो तो कैसे निकलेगा। देखो डाइल्यूटेड में
हम अज्यूम क्या करते हैं कि कंपनी, देखो डायल्यूटेड हमेशा याद रखना बेसिक से कम आएगा, डायल्यूटेड डी पी ई एस, तो ये जो भी डायल्यूटेड है वो हमेशा आपका जो है वो डायल्यूटेड जो है वो हमेशा आपका बेसिक ईपीएस के मुकाबले में कम आएगा, तभी तो उसको डाइल्यूजन बोलेंगे। तो 16.3 और 14.8 अपने पास नोट रखिएगा, विच इज बेसिक ईपीएस। अब हम डायल्यूटेड को सीखेंगे समझेंगे, ठीक है। कन्वर्टेबल का ये केस है, कन्वर्टेबल हो तो डायल्यूटेड कैसे होता है हम अभी सीखने लगेंगे। डायल्यूजन सबसे पहले 2001 की बात कर लेते हैं। हमारा जो फार्मूला है वो वही रहेगा कि हमारे पास जो चीज थी वो अपनी जगह पे वैसी ही है, विच इज 641773 डाइल्यूटेड ईपीएस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड। प्रीफरेंस डिविडेंड यही 10% ऑफ दिस। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स भी चेंज नहीं हुए, क्या सीन है? देखो दो काम होंगे। सबसे पहले आप ये अज्यूम करते हो कि भाई मेरा जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट है वो बच जाएगा, यानी आप इसको क्या कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं नॉशनल अर्निंग्स, और आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे नॉशनल शेयर्स टू बी इशू। शेयर्स निकालना बड़ा आसान होता है, ये देखो 1250,000 का आपका बॉन्ड है, एक बॉन्ड की वैल्यू 100 है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे। एक बॉन्ड के बदले में हमने बताया था कि हमने हाईएस्ट ऑप्शन लेना है विच इज 124, मींस टू से कंपनी को कितने शेयर्स, अगर ये कन्वर्ट हुए शेयर्स के अंदर अगर हुए इन फ्यूचर, तो कंपनी को कितने शेयर्स इशू करने पड़ जाएंगे, जरा प्लीज कैलकुलेटर यूज कीजिएगा। एक आंसर आ जाएगा जो भी आ रहा है, आई गेस 1550,000 शेयर्स। अब जरा एक बात समझना, ये वो शेयर्स हैं टू बी इशूड हैं, ये हमें शायद इशू करने पड़ जाएंगे। अब एक बात बताओ, हमारा ये जो कहानी है, ये जो आपने कन्वर्टेबल इशू किया 2001 में किया है, जी सर 2001 में किया है, ईयर एंड क्या है? सर ईयर एंड है दिसंबर। ये क्या डेट है, कब इशू हुआ है? सर नवंबर अप्रैल। तो क्या वेटेड एवरेज निकालना पड़ेंगे? तो जी सर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें आता है 4 मिलियन शेयर्स थे साल के शुरू, कहाँ है ये? जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स तक ये ऐसे ही रहे, फिर कंपनी ने क्या किया, अज्यूम कन्वर्टेबल, जिस दिन अज्यूम होते हैं हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसी दिन ये कन्वर्ट हो रहे हैं। ये होना है काम 2006 में, लेकिन डाइल्यूशन का मतलब क्या था कि ये फ्यूचर को आज ही अज्यूम कर लो। तो हम क्या करेंगे कि भाई ये शेयर्स अगर आज ही इशू हो जाए तो जो मेरे 4 मिलियन शेयर्स थे मजीद 1550,000 से ये बढ़ जाएंगे, तो आई विल हैव 5550,000 शेयर्स। 3 मंथ्स यहाँ आ चुके हैं, तो अब साल में कितने मंथ बचे, 9 मंथ्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स अज्यूमिंग कि डाइल्यूशन आज ही जिस दिन कन्वर्टेबल इशू हुए हैं उसी दिन वो डाइल्यूट, उसी दिन वो जो है वो शेयर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, तो कंपनी का वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हमारे सामने है 5162500। नोशनल सेविंग्स ये क्या होती है जनाब, देखिए अभी हम आपको बताएंगे। शेयर्स में कोई मसला हो तो जरूर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। साल के बीच में नंबर ऑफ शेयर इशू होते हैं, तो वही ट्रिक है वेटेड एवरेज वाली, लेकिन बात वही है कि सर ये इशू 2006 में हो रहा है, आपने अभी क्यों लिया? तो भाई डाइल्यूटेड में यही अज्यूम करते हैं कि ये फ्यूचर नहीं है, ये आज ही हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। आगे जो सीन है, जो कहानी है वो क्या है, नोशनल अर्निंग्स की। देखो कन्वर्टेबल थे ना, कन्वर्टेबल थे, कन्वर्टेबल पे क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। कितने परसेंट इंटरेस्ट है, देखो 8%। अब हमने क्या अज्यूम किया कि कन्वर्टेड,
कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, मींस हमारा इंटरेस्ट सेव हो रहा है. क्या हो रहा है? इंटरेस्ट सेविंग. और इंटरेस्ट सेविंग को बोलते हैं नॉमिनल अर्निंग. और इसको आपने आफ्टर टैक्स करना है. क्या करना है? आफ्टर टैक्स करना है. कैसे करना है मैं बताऊंगा. देखिए, आपके कन्वर्टेबल बॉन्ड्स थे 1250,000 पे, 8% इस पे इंटरेस्ट लगना है. कितना इंटरेस्ट लगना है? 8%. और ये अप्रैल में इशू हुए हैं, तो इसका मतलब 9/12 कितना आ गया. ये कैलकुलेटर मैं यूज कर लेता हूँ, आप यूज कीजिए. 1250 × 8 / 100 × 9/12 = 75,000. इसको आफ्टर टैक्स करना है. आफ्टर टैक्स का मतलब ये होता है कि इसमें टैक्स जो दिया है, जो रेट है, उसको माइनस कर दो. और ये जो आंसर आएगा इसको हम कहेंगे नॉमिनल अर्निंग. क्या कहेंगे इसको? हम नॉमिनल अर्निंग. और ये हमने ऐड करनी है डाइल्यूजन के केस में. हमेशा याद रखना ये जो पॉइंट है ना, इसको आफ्टर टैक्स कर दो. ये बच्चे भूल जाते हैं, तो आपने ये भूलना नहीं है. 75,000 का 30% कितना होता है? और आंसर क्या आएगा? जो भी आया मल्टीप्लाई 100 किया, डाइल्यूटेड ईपीएस इन सेंट्स हमारे पास आ जाएगा 12.5. आप देखो बेसिक ईपीएस 2001 का था 14.8. चेक करो, 14.8 था. जी हाँ, 14.8 था. ये कितना आ रहा है? 12.5. मींस कि अगर हम अज्यूम करें कि कंपनी ने जो क्या किया था, कन्वर्टेबल इशू किया था, वो सब का सब आज ही कन्वर्ट हो गया है, तो इससे कंपनी का ईपीएस गिरेगा और मैक्सिमम गिर गिर के 12.5 होगा. दिस इज अ गुड इंफॉर्मेशन फॉर शेयर होल्डर्स. और ये है डाइल्यूजन की कहानी हमारी जबानी. उम्मीद है आपको समझ आया होगा. एक नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, एक बार रीड करेंगे, खुद ट्राई कीजिएगा, इसके बाद इसका सॉल्यूशन प्ले कीजिएगा प्लीज, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितना आता है. ठीक है, अगेन ये कन्वर्टेबल चल रहे हैं. इसके बाद ऑप्शन के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. कन्वर्टेबल हो, डाइल्यूजन किस तरह से करते हैं हमने आपको अभी सिखाया है. ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है. डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड दिस आपको निकालना है. क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए. शाबाश. क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपके पास 8.28 मिलियन शेयर्स हैं जो आपने इशू किए हैं, और इसके अलावा कोई भी शेयर इशू नहीं किए. ईयर एंड आया, आपने कन्वर्टेबल लोन नोट इशू करके रखा था, कन्वर्टेबल आ गया, ठीक है, और इस पर 10% इंटरेस्ट है, ठीक है. अर्निंग इस साल की ये हैं और कन्वर्जन का ऑप्शन ये है. अब हमने क्या करना होता है? हमने ये देखना होता है कि भाई मैक्सिमम कन्वर्जन, मैक्सिमम डाइल्यूशन कहाँ होगी, और उसके हिसाब से हम काम कर रहे होते हैं. बेसिक ईपीएस पूछा नहीं है, जस्ट उसने आपसे डाइल्यूटेड ईपीएस पूछा है, तो हम डाइल्यूशन पे काम कर लेंगे. ठीक है, बेसिक ईपीएस निकालना हो तो अपने लिए आप निकाल सकते हैं. देखिए डाइल्यूटेड ईपीएस फार्मूला हमें पता है. प्रॉफिट कितना है? अर्निंग्स यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. कोई प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह नहीं है. डाइल्यूशन में हमें पता है कि हमें नॉमिनल अर्निंग्स याद ऐड करनी होती हैं, और वेटेड एवरेज आपका वर्किंग से आ जाएगा. सबसे पहले हम नॉमिनल अर्निंग, अब सीक्वेंस से चलते हैं, नॉमिनल अर्निंग्स निकालते हैं. देखो आपके बॉन्ड्स हैं 2300,000 के, आपने कब इशू किए हैं? आपने इशू किए हुए हैं 2006 से 2009 तक, यानी अब 2004 में आप खड़े हुए हैं. आपने बॉन्ड फ्यूचर के लिए इशू किए हुए हैं, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है. अब क्या सीन है? जब भी डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि ये आज ही कन्वर्ट हो गए. आज ही कन्वर्ट हो गए का मतलब इस पे जो इंटरेस्ट है वो हमारा सेव हो गया, और उस इंटरेस्ट सेविंग को हम क्या करते हैं? आफ्टर टैक्स कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? आफ्टर टैक्स. और टैक्स का रेट हमेशा गिवन होता है. इसको हम कहते हैं नॉमिनल अर्निंग्स या इंटरेस्ट सेविंग आफ्टर टैक्स. इसी तरह से हमने सीखा है लास्ट क्वेश्चन के अंदर.
और यहाँ पे डेट्स वगैरह नहीं है, तो कंप्लीट ईयर है, इसका मतलब हमने 69,000 विच इज 30% ऑफ 230,000 निकाला और हमारे पास ये आंसर आ गया 161,000। और से लर्निंग हमने ऐड कर दिया। अब देखिएगा नंबर ऑफ शेयर्स की बात होगी, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालें, तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो कहता है कि आपका जो कन्वर्टेबल था वो 23,000 था, एक कन्वर्टेबल बॉन्ड की पार वैल्यू 100 ही होती है, और हमें कौन सा ऑप्शन लेना है, 90 वाला, 85, 80 या 75। हमने पढ़ा है कि हम हमेशा हाईएस्ट ऑप्शन लेके चलते हैं, तो ये आ जाते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स होंगे ये बहुत सालों बाद इशू, लेकिन हम अज्यूम ये करते हैं कि आज हो गए। कितने आ गए, 2070,000। अभी साल के बीच में नहीं है, इसका मतलब हमारे जो स्टार्ट पे 8280000 यानी 8.28 मिलियन शेयर्स थे, उसमें जस्ट 2070,000 शेयर्स ऐड हो जाएंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास इन सेंस डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा विच इज कमिंग 22.9। सर आपने यहाँ पे वेटेड एवरेज वर्किंग क्यों नहीं की लास्ट क्वेश्चन में, तो की थी तो बेटा लास्ट क्वेश्चन में शेयर्स जो हैं वो ड्यूरिंग द ईयर इशू हुए थे, इस क्वेश्चन में जो शेयर्स हैं उसको कोई डेट वगैरह मेंशन नहीं है, तो थ्रू आउट अज्यूम करेंगे, थ्रू आउट है तो इसका मतलब वेटेड एवरेज यानी एवरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है डाइल्यूटेड ईपीएस का केसेस, जब हमारे पास क्वेश्चन में कन्वर्टेबल्स हों, क्या हों, कन्वर्टेबल लोन नोट, कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हों और हमें डाइल्यूटेड पूछा जाए, तो हम अज्यूम करेंगे ये कन्वर्टेबल जो हैं जो होने फ्यूचर में ये आज ही कन्वर्ट हो गए, तो इसका इंटरेस्ट सेविंग आफ्टर टैक्स और नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा कितना है, और इसकी बेस पे हम ईपीएस दोबारा रिकैलकुलेट कर लेते हैं। डाइल्यूटेड का लास्ट और आप एक कोर्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कोर्स का अर्निंग पर शेयर का लास्ट टॉपिक ऑप्शन शेयर्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके साथ आपका IAS 33 एंड हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।